हेलो बच्चों, हर रोज़ सर मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एज सच कोई बात नहीं करने वाला, बट इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सर आपकी स्टडीज़ पे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सर, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं हमारा ब्रेन सर थक जाता है, हमारी बॉडी भी थक जाती है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। सो अगर आप लोग सर एफिशिएंट बनना चाहते हैं, आप लोग सर इफेक्टिव बनना चाहते हैं, और सर कई लोग जो बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सर नींद आती है, मुझे बस मन करता है मैं सो जाऊँ पढ़ूँ ना, मैं उन लोगों से सर बात कर रहा हूँ इस बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर, आप क्या खाते हैं इट मैटर्स द मोस्ट, और स्पेशली इन एग्जाम टाइम्स आप लोग सर अगर स्टूडेंट से मिलेंगे, बिलीव मी सर, उनको सबसे ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ पर्सनली। सर सबसे पहले वाटर, समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं यार, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है सर, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अलार्म लगाना चाहिए पानी पीने के लिए, बट डोंट वरी, हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल, हमेशा हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल भर के रखें सर। जैसे आपको लगता है सर थोड़ी आपको आपका सर भारी हो रहा है या सर दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा, दो घुट पानी लगाते रहें, पानी लेते रहें। देन बच्चों फूड, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, ब्रेकफास्ट करें सर, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत हैवी, राइट। पराठों, हैवी का मतलब पराठे नहीं होता है, बियर दिस इन माइंड सर। कॉर्नफ्लेक्स आप लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छी हेल्दी फूड्स हैबिट डालिए, हेल्दी फूड हैबिट डालिए सर। आप लोग फ्रूट्स खा सकते हैं सर, सुबह उठ के अगर आप थोड़ा सा लुकवर्म वाटर के अंदर लेमन अगर आप साथ में ले पाएँ तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हनी आप अगर सुबह लें सर, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। घर पे मम्मी ध्यान रखने वाली हैं, थोड़ा सा उनको परेशान कर सकते हैं, मम्मी का ध्यान नहीं रख पाती किसी वजह से भी, या आप चाहते हैं कि आप खुद अपना ध्यान रखें तो सर आप खुद अपना ध्यान रखें, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर। बादाम आप लोग खा सकते हैं सर, वॉलनट्स, जितने आप लोग सर अखरोट खाएं या कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें, और प्रोटीन हो, स्प्राउट्स सर, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। काफ़ी हैवी, काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लोग करें। देन सर ब्रेकफास्ट का टाइम 7 से 7:30, मैक्सिमम बाय 8 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए सर। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो अगर आप सुबह टाइम से उठेंगे सर, आपका ब्रेकफास्ट इस समय हो जाएगा। देन सर आपका जो नेक्स्ट आपका जो मील होगी दैट विल बी अराउंड 12:30 to 1, इससे लेट नहीं, 1 से लेट नहीं। बीच में आप सर कोई छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं, बट डोंट गो फॉर चिप्स एंड कुरकुरे एंड स्टूपिड थिंग्स, गो फॉर हेल्दी थिंग्स। आपको और भूख लग रही है, आप फ्रूट्स ले लीजिए बीच में फिर से एक बार। देन आपको जो डिनर होना चाहिए सर, द बेस्ट टाइम इज 7:30। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, कभी कभी बहुत बिजी होते हैं और 7:30 तक हमारे घरों में अगर डिनर नहीं बनता तो वो चीज़ हमारे लिए दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, 8, 8:30 तक भी करेंगे तो चलेगा, बट इट शुड बी वेरी लाइट, वेरी हेल्दी सर। नो बाहर का खाना फॉर एटलीस्ट इन एग्जाम टाइम। आई नो इस वीडियो में मैं बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, बट बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर स्टडीज, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर मेमरी, योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो बियर दिस इन माइंड सर, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी माइंड मीन्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड मेमरी। तो सर ये चीज़ें आपको ज़रूर 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 मदद करेंगी। फूड हैबिट्स बहुत ध्यान से, राइट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद।